एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अंगूर के एक रोग के बारे में। अंगूर का जो बॉटेनिकल नेम है वो विटिस वेनिफेरा है और जिस रोग की बात करेंगे उसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग का काजल ऑर्गेनिज्म फंगस है। ये फंगस से होने वाला एक रोग है जिसका साइंटिफिक नेम प्लाज्मोपारा विटिकोला है। अब हम समझते हैं कि इस रोग को हम किस प्रकार से खेत में पहचान सकते हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू रोग लगा हुआ है। वैसे इस रोग का जो अटैक है वो सभी एरियल पार्ट्स पे होता है। एरियल पार्ट्स का मतलब यह हो गया जैसे पत्ती, जड़ को छोड़ के तना, पत्ती, ट्विक्स और टहनियाँ और इसका जो अंगूर होता है उस पे, इन सब पे आपको इसका अटैक देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ये जो नई पत्तियाँ और टहनियाँ और कल्ले, जो नए कल्ले और इसमें इमेच्योर बेरी का मतलब जो अधपके अंगूर होते हैं उस पे ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। पत्ती जो है उसके ऊपरी सतह पे आपको हल्के पीले कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हो ये, और यहाँ पर, और यहाँ पर, तो ये क्या है, हल्के पीले कलर के धब्बे आपको पत्ती के ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगा, जबकि निचले सतह पर मटमैले भूरे कलर के धब्बे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये हल्के डर्टी भूरे कलर के धब्बे निचले सतह पर होते हैं। जैसे जैसे डिजीज ज़्यादा फैलता है वैसे वैसे जो इसके स्पोर्ट्स हैं, जैसे ये और ये स्पोर्ट्स हैं, ये आपस में कोलेक्स करेंगे, मिल जाएंगे। मिलने के बाद ये नेक्रोटिक लीजन बनाएंगे। नेक्रोटिक लीजन का मतलब यहाँ की जो सेल्स हैं वो मर जाएंगी और नेक्रोटिक लीजन फॉर्म करेंगे। इसमें जो पत्तियां हैं, पत्तियां मैच्योरिटी से पहले मतलब पकने से पहले ही गिर जाती हैं या अपने समय से पहले ही पत्तियां गिर जाती हैं। इसके अलावा इस रोग के लक्षण आपको अंगूर और इसकी टहनियों पर देखने को मिलेगा। जो इन्फेक्टेड सूट है, जैसे जो प्रभावित टहनियां हैं उसमें या फिर प्रभावित जो नए कल्ले हैं वो स्टेंटेड रह जाते हैं, मतलब ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो कम ही ग्रोथ में सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें उभार देखने को मिलेगा जो कि हाइपरट्रोफी के द्वारा होता है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया दो सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण होते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब जैसे यूजुअली जो बढ़ते हैं उस साइज में ना बढ़ के वो अनियमित ढंग से बढ़ जाएं। एक होता है हाइपरट्रोफी और एक होता है हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरट्रोफी में जो सेल का साइज एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता है और हाइपरप्लेसिया में जो सेल की संख्या है वो अनियमित ढंग से बढ़ती है, जिसके कारण आपको जो इसके कल्ले, नए कल्ले हैं वो फूले हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो इनफ्लोरेसेंस है उस पर भी आपको पीले ब्राउन कलर के धब्बे देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये इसका पूरा देख सकते हो, यहाँ पर हल्के भूरे और ब्राउन, हल्के ब्राउन कलर के धब्बे आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो, और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो बेरी है, बेरी मतलब ये जो अंगूर हैं इन्हीं को बेरी बोलते हैं। ये क्या होता है, कठोर हो जाता है और कठोर होने के बाद ये हल्के ब्लूइश ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में भूरे कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो ये, और ये भूरे भूरे हैं। जैसे ये अंगूर है, इस अंगूर को अगर आप दबाओगे तो आसानी से दब जाएगा और इसमें से रस निकलेगा। मगर ये जो इस प्रकार से इन्फेक्टेड अंगूर दिख रहे हैं आपको, इनको अगर दबाओगे तो कड़े होंगे और इनमें से रस नहीं निकलेगा, ये दबेंगे नहीं आसानी से। पूरा बंच, जैसे ये देख सकते हो आप, ये पूरा अंगूर का गुच्छा है, ये पूरा अंगूर का गुच्छा प्रभावित हो जाता है और इस पे आपको फंगस ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब रोग ज़्यादा फैल जाता है तो कई बार
जो अंगूर होता है, अंगूर के अंदर भी फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो इंटीरियर पार्ट में भी आपको अंगूर के फंगस ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एडवांस कंडीशन में इसकी पत्तियां, सूट और जो ये टहनियां हैं, ये आपको रुई के संरचना जैसी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, सब ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ये फंगस ग्रोथ है, इसको बोलते हैं काटनी ग्रोथ। ये आपको इस पे आसानी से देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो आप अपने खेत में कि इस खेत में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हुआ है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।